राम लक्ष्मण को मूर्छा और इंद्रजीत का वध। मार्कंडेय जी कहते हैं, तदनंतर रावण ने अपने वीर पुत्र इंद्रजीत से कहा, बेटा, तू शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ है, युद्ध में इंद्र को भी जीतकर तूने अपने उज्जवल सुयश का विस्तार किया है, अतः युद्ध भूमि में जाकर राम लक्ष्मण और सुग्रीव का नाश कर। इंद्रजीत ने बहुत अच्छा कहकर पिता की आज्ञा स्वीकार की और कवच बांध रथ पर बैठकर तुरंत ही संग्राम भूमि की ओर चल दिया। वहां पहुंचकर उसने स्पष्ट रूप से अपना नाम बताकर परिचय दिया और युद्ध के लिए लक्ष्मण को ललकारा। लक्ष्मण भी धनुष पर बाण संधान किए बड़े वेग से उसके सामने आ गए और सिंह जैसे छोटे मृगों को भयभीत करता है, उसी प्रकार अपने धनुष की टंकार से सब राक्षसों को त्रास देने लगे। इंद्रजीत और लक्ष्मण दोनों ही दिव्य अस्त्रों का प्रयोग जानते थे। दोनों की ही आपस में बड़ी लाग डांट थी। दोनों ही एक दूसरे पर विजय पाना चाहते थे। अतः उनमें बड़े जोर की लड़ाई छिड़ गई। इसी बीच में बाली कुमार अंगद ने एक पेड़ उखाड़कर उसे इंद्रजीत के सिर पर दे मारा। चोट खाकर भी वह विचलित नहीं हुआ। इतने में अंगद उसके निकट चले आए। फिर तो उसने उनकी बाईं पसली में बड़ी जोर से गदा मारी। अंगद बड़े बलवान थे, अतः उसके इस प्रहार को उन्होंने कुछ भी नहीं गिना। क्रोध में भरकर उन्हें एक शाल का वृक्ष उखाड़ लिया और उसे इंद्रजीत के ऊपर फेंका। उसकी चोट से उसका रथ चकनाचूर हो गया और घोड़े तथा सारथी मर गए। तब इंद्रजीत उस रथ से कूद पड़ा और माया का आश्रय ले वहीं अंतर्धान हो गया। उसे अंतरहित हुए देख भगवान राम भी वहां आ गए और अपनी सेना की सब ओर से रक्षा करने लगे। इंद्रजीत भी क्रोध में भरकर राम और लक्ष्मण के सारे शरीर पर सैकड़ों हजारों बाणों की वर्षा करने लगा। वानरों ने देखा कि वह छिपकर बाणों की झड़ी लगा रहा है, तो वे हाथों में बड़ी-बड़ी शिलाएं लिए आकाश में उड़कर उसका पता लगाने लगे। इंद्रजीत छिपे ही छिपे उन वानरों तथा राम और लक्ष्मण को भी बाणों से बींधने लगा। दोनों भाइयों के शरीर बाणों से भर गए और वे आकाश से गिरे हुए सूर्य और चंद्रमा की भांति इस पृथ्वी पर गिर पड़े। इतने में वहां विभीषण आ पहुंचे। उन्होंने प्रज्ञास्त्र से उनकी मूर्छा दूर की और सुग्रीव ने विशल्या नाम की औषधि को दिव्य मंत्र से अभिमंत्रित करके उसे दोनों भाइयों की देह में लगाया। इसके प्रभाव से सरलता पूर्वक उनके शरीर का बाण निकालकर क्षण भर में ही घाव अच्छा हो गया। इस उपचार से वे दोनों महापुरुष शीघ्र ही होश में आ गए। आलस्य और थकावट दूर हो गई। तदनंतर भगवान राम को पीड़ा से रहित देख विभीषण ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, श्वेतगिरी से यहां आपकी सेवा में एक गुह्यक आया है, जो कुबेर की आज्ञा से यह दिव्य जल ले आया है। इससे आंख धो लेने पर आप माया से छिपे हुए प्राणियों को भी देख सकते हैं, तथा जिसे जिसे यह जल देंगे, वह मनुष्य भी उन्हें देख सकता है। बहुत अच्छा कहकर श्री रामचंद्र जी ने वह जल स्वीकार किया और उससे अपने दोनों नेत्र धोए। इसके बाद लक्ष्मण, सुग्रीव, जांबवान, हनुमान, अंगद, मेंद, द्विविद और नील ने भी उसका प्रयोग किया। प्राय सभी प्रमुख वानरों ने उससे अपने अपने नेत्र धोए। विभीषण के बताए अनुसार ही उस जल का प्रभाव देखा गया। एक ही क्षण में उन सबकी आंखों से अतींद्रिय वस्तुओं का भी प्रत्यक्ष होने लगा। इंद्रजीत ने उस दिन जो बहादुरी दिखाई थी, उसका बखान करने के लिए वह अपने पिता के पास चला गया था। वहां से पुनः युद्ध की इच्छा से वह क्रोध में भरा हुआ आ रहा था। इतने में विभीषण की सम्मति से लक्ष्मण ने उसके ऊपर धावा किया। यह देख इंद्रजीत ने अनेकों मर्मभेदी बाण मारकर लक्ष्मण को बींध डाला।
तब लक्ष्मण ने भी अग्नि के समान दाहक बाणों से इंद्रजीत के ऊपर प्रहार किया। लक्ष्मण की चोट से आहत होकर इंद्रजीत क्रोध से मूर्छित हो गया और उसने अपने शत्रु के ऊपर विषधर सांपों के समान 8 बाण मारे। फिर लक्ष्मण ने भी अग्नि के समान तीखे स्पर्श वाले 3 बाण मारे। उन बाणों का स्पर्श होते ही इंद्रजीत के प्राण पखेरु उड़ गए। राम रावण युद्ध, रावण वध और राम सीता सम्मेलन। मार्कंडेय जी कहते हैं, प्रिय पुत्र मेघनाथ के मारे जाने पर रावण रत्न जटित सुवर्ण के रथ पर बैठकर लंका से चला। उनके साथ तरह तरह के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित अनेकों भयंकर राक्षस थे। इस प्रकार वह वानर युद्धपतियों के साथ मुठभेड़ करता राम जी की ओर चला। उसे क्रोधातुर होकर राम जी की ओर आते देख सेना के सहित मैंद, नील, नल, अंगद, हनुमान और जांबवान ने चारों ओर से घेर लिया। उन रीच और वानर वीरों ने वृक्षों की मार से रावण के देखते देखते उसकी सेना को तहस नहस कर डाला। मायावी राक्षस राज ने जब देखा कि शत्रु मेरी सेना को नष्ट किए डालते हैं, तो उसने माया फैलाई। थोड़ी ही देर में उसके शरीर से निकले हुए बाण, शक्ति और ऋष्टि आदि आयुधों से सुसज्जित सैकड़ों हजारों राक्षस दिखाई देने लगे, किंतु भगवान राम ने दिव्य अस्त्रों के द्वारा उन सभी को मार डाला। इसके बाद रावण ने दूसरी माया फैलाई। वह राम और लक्ष्मण के ही रूप धारण करके राम लक्ष्मण की ओर दौड़ा। राक्षस राज की इस माया को देखकर भी लक्ष्मण जी को किसी प्रकार की घबराहट नहीं हुई। उन्होंने राम जी से कहा, भगवन, अपने ही समान आकार वाले इन पापी राक्षसों को मार डालिए। तब श्री राम ने उन्हें तथा और भी अनेकों राक्षसों को धराशायी कर दिया। इस समय इंद्र का सारथी मातली नील वर्ण घोड़ों से जुता हुआ सूर्य के समान तेजस्वी रथ लिए उस रणांगण में राम जी के पास उपस्थित हुआ और उनसे कहने लगा, रघुनाथ जी, यह नीले घोड़ों से जुता हुआ इंद्र का जैत्र नामक श्रेष्ठ रथ है। इसी पर चढ़कर इंद्र ने संग्राम भूमि में सैकड़ों दैत्य और दानवों का वध किया है। पुरुष सिंह, आप भी मेरे सारथ्य में इसी पर सवार होकर तुरंत रावण को मार डालिए, देरी मत कीजिए। तब श्री रघुनाथ जी ने प्रसन्न होकर कहा, ठीक है। ऐसा कहकर उस रथ पर चढ़ गए। रावण पर चढ़ाई करते ही सब राक्षस हाहाकार करने लगे तथा आकाश में देवता लोग दुंदुभियों का शब्द करते हुए सिंहनाद करने लगे। इस प्रकार राम और रावण का बड़ा भीषण संग्राम छिड़ गया। उस युद्ध की कोई दूसरी उपमा मिलनी असंभव ही है। राक्षस राज रावण ने राम के ऊपर इंद्र के वज्र के समान एक अत्यंत कठोर त्रिशूल छोड़ा। उस त्रिशूल को राम जी ने तत्काल अपने पैने बाणों से काट डाला। उनका यह दुष्कर कार्य देखकर रावण पर भय सवार हो गया और वह क्रोधित होकर हजारों लाखों तीखे तीखे बाण बरसाने लगा। उनके सिवा उसने भुशुंडी, शूल, मूसल, फरसा, शक्ति और तरह तरह के आकार की शतघ्नियां और पैने पैने छुरों की भी वर्षा आरंभ कर दी। रावण की इस विकट माया को देखकर समस्त वानर इधर उधर भागने लगे। तब राम जी ने अपने तरकसों से एक बाण खींचकर उसे ब्रह्मास्त्र से अभिमंत्रित किया और फिर उस अतुलित प्रभावपूर्ण बाण को रावण पर छोड़ दिया। राम जी ने ज्यों ही धनुष को कान तक खींचकर उसे छोड़ा, वह राक्षस अपने रथ, घोड़े और सारथी के सहित भीषण अग्नि से व्याप्त होकर जलने लगा। इस प्रकार पुण्यकर्मा भगवान राम के हाथ से रावण का वध हुआ देखकर गंधर्व और चारणों के सहित सब देवता बड़े प्रसन्न हुए।